एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले साल आए हुए हमारे हिस्ट्री के, क्योंकि देखिए हिस्ट्री अभी टाइम बचा नहीं है और सीपीयू के लिए मैं हिस्ट्री आपको नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस होंगे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर मैं मेडिवल हिस्ट्री से लेकर आऊँगा, ठीक है, फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आऊँगा। तो मैं ऐसे क्या करूँगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा दूँगा हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको हेल्प बहुत मिलेगी, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी मैं अलग से कराऊँगा और ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है हमारा द सोर्स ऑफ स्वास्तिक सिंबल। जो स्वास्तिक सिंबल है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो वो सबसे पहले देखा गया था इंडस वैली, ठीक है। द सोर्स ऑफ स्वास्तिक सिंबल इंडस वैली। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन थे, तो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर थे हमारे एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। तो एलेक्जेंडर कनिंगम हमारे फादर ऑफ आर्कियोलॉजी थे इंडिया के। मीटर स्केल जो है वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, वो हुआ था हड़प्पा में। मीटर का जो स्केल आता है वो हड़प्पा में डिस्कवर हुआ था। ऐसा कौन सा वेपन है जो इंडस वैली वालों ने यूज ही नहीं किया कभी, ठीक है, वो थी हमारी स्वॉर्ड, मतलब तलवार। तलवार कभी यूज ही नहीं की थी, वहां पर भाला थे, सब कुछ थे, पर तलवार नहीं थी, ठीक है। जो चनुदारो है, ठीक है, वहाँ की जो मेजर इंडस्ट्री थी वो क्या थी, ठीक, वो थी बीड मेकिंग, ठीक है, क्या थी, बीड मेकिंग। देखिए उसको अगर हम बीड मेकिंग को बोलें तो हम कह सकते हैं जैसे मोती, जो मोती जो बनाने होते थे वो हमारा चनुदारो में होता था, ठीक है। जो वर्ड है सिंधन, ठीक है, सिंधन यूज़ किया जाता था हमारा इंडस वैली में, ठीक है, इंडस पीपल द्वारा, वो किसको डिनोट करता था, ठीक है, वो सिंधन डिनोट करता था कॉटन को, ठीक है, कॉटन को डिनोट करता था। एविडेंस ऑफ फ्रैक्शनल ब्यूरियल वाज हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम, जो देखिए जो फ्रैक्शनल ब्यूरियल था आपका, ठीक है, उसके एविडेंस कहाँ पर मिलते हैं, उसके हमें एविडेंस मिलते हैं हड़प्पा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वर्ड गॉडह्यूम, ठीक है, द वर्ड गॉडह्यूम या फिर गौधुमी, देखिए अब इसे अब अलग अलग कोई पड़ेगा इसके गॉडह्यूम, ठीक है, या फिर गौधुमी, तो हम इसे गौधुमी बोलेंगे। गौधुमी यूज्ड इन वैदिक पीरियड डिनोट, ठीक है, तो वैदिक टाइम जो था उसमें गौधुमी किस को कहा जाता था, उस वो कहा जाता था वीट को, ठीक है, वीट जो होता है हमारा खाने के लिए काम आता है उसको हम गौधुमी कहते थे। यवा, यवा को हम क्या कहते थे, ठीक है, यवा डिनोट क्या करता था, यवा डिनोट करता था बार्ले, ठीक है, यवा डिनोट क्या करता था, बार्ले। द टर्म यूज्ड टू डिनोट राइस इन वैदिक टेक्स्ट, देखिए तो वो टर्म जो राइस को डिनोट करता था हमारा वैदिक टेक्स्ट में वो है व्री, ठीक है, क्या है, व्री। वैदिक टर्म सीता डिनोटेड, ठीक है, देखिए सीता, सीता अब जो राम सीता वाली सीता वो नहीं है सीता, ठीक है, वहां पर हम प्लग्ड फील्ड को, ठीक है, प्लग्ड फील्ड को सीता कहते थे, ठीक है। विच वेदा मेंशंस अबाउट व्हील, किस वेद में व्हील्स के बारे में दिया गया है, वो है हमारा ऋग्वेद, ठीक। उसके बाद आता है कि वैदिक टर्म्स उर्वरा और क्षेत्रा डिनोटेड, ठीक है, वैदिक टर्म्स में उर्वरा और क्षेत्रा किसे कहा जाता था, उसे कहा जाता था कल्टीवेटेड फील्ड्स को, उर्वरा जैसे या फिर क्षेत्रा, ठीक है। द फेमस फ्रॉग, ठीक है, द फेमस फ्रॉग हैम इन ऋग्वेद थ्रो लाइट टू, ठीक है, अब वो कह रहा है कि द फेमस फ्रॉग हैम इन ऋग्वेद थ्रो लाइट टू, जो फेमस फ्रॉग है आपके ऋग्वेद का वो किसके ऊपर रोशनी डालता है, वो हमारा डालता है वैदिक एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, वैदिक एजुकेशन के ऊपर जो हमारा फेमस फ्रॉग हैम है वो लाइट या रोशनी करता है या प्रकाश डालता है।
हु वाज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ द वेदास। ठीक है, वेदास के गॉड को किसे माना जाता है? वो है हमारे वरुणा। वरुणा मतलब एयर गॉड, वरुण मतलब एयर गॉड। ठीक है, ऋग्वेद टर्म धुत्री, ऋग्वेद में एक टर्म आता है धुत्री, वो किसको डिनोट करता है? वो करता है मिल्कर ऑफ काउज। ठीक है, मिल्कर ऑफ काउज को धुत्री मतलब दूध निकालने वाला कहते हैं। मेथड यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ काउज इन द वैदिक पीरियड, उस मेथड का क्या नाम था जिससे हम काउ की नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ काउज हैं उनको कैलकुलेट करते थे? वो था अस्तकरणी। अस्तकरणी से हम पता करते थे कि कितनी काउज है हमारे एरियाज में, हमारे यहाँ पर। पार्ट ऑफ विच वेदा हैज प्रोज पार्ट, वेदों के चार वेद होते हैं आपको पता है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। उनमें से कौन से वेद में प्रोज पार्ट है? वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, हु स्प्रेड आर्यन रिलीजन इन साउथ इंडिया। आर्यन रिलीजन, रिलीजन जो था आपका धर्म था, वो साउथ इंडिया में किसने स्प्रेड किया, किसने फैलाया? वो थे अगस्त्य। ठीक है, वैदिक टर्म अघन्य, जो अघन्य, देखिए कुछ एक अब आजकल के टाइम पे लोग कहते हैं अघन्य अपराध, तो वो अघन्य अपराध वाला अघन्य नहीं था, जो वैदिक में जो अघन्य बोला जाता था वो काउज, गाय को अघन्य बोला जाता था। ठीक है, द टर्म भारत, भारत वर्षा वाज फर्स्ट यूज्ड इन ऋग्वेद। ठीक है, द टर्म भारत एंड भारत वर्षा फर्स्ट यूज्ड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में पहली बार यूज किया गया था भारत और भारत वर्षा को, मतलब भारतवर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट कि उपनिषद विच मेंशन द फोर आश्रम्स ऑफ वैदिक पीरियड। देखिए फोर आश्रम होते हैं आपका, एक तो होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, एक आपका गृहस्थ आश्रम, फिर एक आपका होता है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, एक होता है फिर आपका संन्यास, ऐसे करके चार आश्रम आपके होते हैं वैदिक पीरियड में। मतलब चार कहते हैं, चार लेवल्स होते हैं आपकी लाइफ के, कि आपको ऐसे ऐसे लाइफ काटनी पड़ेगी। बचपन में आपको कोई अलग आश्रम है, जवानी में आपका अलग आश्रम है। ठीक है, फिर मिडिल जो आपका ओल्ड एज होती है उसमें अलग आश्रम आश्रम होता है, फिर ओल्ड एज में अलग आश्रम होता है। तो ऐसे कह कर करके अलग आश्रम होते हैं। वो जो आश्रम होते हैं आपके, वो पहली बार मतलब किस वैदिक पीरियड में, किस उपनिषद में दिए गए थे? ठीक है, 18 उपनिषद होते हैं, उसमें से एक उपनिषद था आपका जबला उपनिषद, जिसमें चार आश्रम दिए गए थे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा, ठीक है, आर इन प्रेज। तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स थे, मैं तो सीधे कहूँ कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पावर थी, या फिर सबसे जो बड़े गॉड माने जाते थे ऋग्वेदा में, वो कौन थे? सबसे ज्यादा किन को पूजा जाता था? सबसे ज्यादा पूजा जाता था इंद्रा को, इंद्रदेव। ठीक है, एडिक्ट विच मेंशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस किसने बताए गए थे? वो बताए थे नागा अर्जुना कोंडा, नागा अर्जुना कोंडा ने बताए थे रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट टाउन इन वैदिक पीरियड यूज बर्न ब्रिक्स, तो जो आजकल की जो ईंटें हैं जिनको जला के टाइट कर लिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है, पहली बार वो कौन से टाउन ने यूज किए थे वैदिक पीरियड में? वो थे कौसाम्बी। कौसाम्बी ने पहली बार बर्न ब्रिक्स या जले हुए ब्रिक्स यूज किए थे। द फर्स्ट प्रेफरेंस अबाउट लैंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट कैन बी फाउंड इन, तो जो पहला, सबसे पहला जो इंटरेस्ट था मनी को यूज करने का, या मनी पर जो इंटरेस्ट दिखाया था, वो पहली बार कहाँ मिला था? वो दिखाया था सतपता ब्राह्मणा ने। ठीक है, सतपता ब्राह्मणा में ये दिखाया गया था। ठीक है, मनी के बारे में। ऋग्वेदा पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम भगवानपुरा, इट इज इन विच स्टेट। देखिए ऋग्वेदा की पेंटिंग्स पहली बार जो मिली थी, जो डिस्कवर्ड हुई थी, वो भगवानपुरा में डिस्कवर्ड हुई थी। और भगवानपुरा किस स्टेट के अंदर आता है? वो आता है हरियाणा स्टेट के अंदर। उपनिषद विच मेंशन अबाउट द पुलिस सिस्टम, तो जो पुलिस का जो सिस्टम होता है वो कौन से उपनिषद में दिया गया है? देखिए वो दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है,
बृहदारण्यक के उपनिषद, ठीक है। आप इनको पूरे नाम भी याद ना कर पाए तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। गॉड वाज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ गॉड्स, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था सबसे बड़ा गॉड, सबसे हाईएस्ट गॉड पोस्ट जो था वो वर्णा था, इसीलिए उसको गॉड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो कौन से गॉड को गॉड ऑफ गॉड्स कहते थे, अब नहीं कहते हैं, पर उस टाइम पे वरुण देव को माना जाता था गॉड ऑफ गॉड्स, ठीक है। कम्युनिटी विच वाज कंसिडर्ड एज द अनटचेबल बाय द बुद्धिस्ट, ऐसी कौन सी कम्युनिटी थी जो अनटचेबल थी बुद्धिस्ट के द्वारा, ठीक है। जो वो थे चांडाल्स, ठीक है, चांडलास जो थे आपके, वो अनटचेबल थे बुद्धिस्ट द्वारा। द लैंग्वेज यूज बाय द जैन्स टू स्प्रेड देयर रिलीजन, जो जैन लोग थे उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी जिसकी हेल्प से उन्होंने अपने रिलीजन को बढ़ाया, वो थे प्राकृति, प्राकृत जो उनकी भाषा थी उसी में उन्होंने अपना प्रचार किया, ठीक है। हु कंसिडर्ड सेंट जॉन ऑफ बुद्धिज्म, कौन सी जगह को सेंट जॉन ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, वो है आनंदा, ठीक है। हु कंसिडर एज डेविल बाय द बुद्धिस्ट, ठीक है, सेंट जॉन बुद्धिज्म का वो आपको बता दिया। अब बुद्धिस्म ने किसे बताया है डेविल, ठीक है, बुद्धिस्म ने किसको डेविल बताया, वो बताया मरा को, ठीक है, मरा को डेविल बताया है बुद्धिस्ट ने, ठीक है। और देखिए मरा बता दिया डेविल, अब उस डेविल की तीन डॉटर्स हैं, ठीक है, मरा की थ्री डॉटर्स का क्या नाम है, लस्ट, इमोशन एंड डिज़ायर। ये तीन चीज़ें हैं जो इंसान को कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। हमारे इमोशंस, हमारे लस्ट और हमारा जो डिज़ायर होता है वो हमें गलत राह पर दे ले जाते हैं, ओके। द रूलर हु परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, ठीक है, द रूलर हु परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, तो वो थे हमारे पुष्प मित्र संघ, ठीक है, पुष्प मित्र संघ ने परसिक्यूटेड किया था बुद्धिस्ट को। मेजर फिलोसफिक स्कूल ऑफ भगवतिज्म, ठीक है, तो भगवतिज्म जो हमारा भगवत गीता वगैरह वाला भगवतिज्म है, विष्णु जहाँ पर पढ़ाई जाती है, उसका फिलोसफिकल स्कूल कौन सा था, वो था विशिष्टाद्वैता, ठीक है, विशिष्टाद्वैता, ठीक है। द अर्लीस्ट रेफरेंस अबाउट श्री कृष्णा कैन बी फाउंड इन, तो जो श्री कृष्णा थे उनके बारे में किस उपनिषद में पढ़ा जा सकता है, वो पढ़ा जा सकता है चंदोग्य उपनिषद। तो जो चंदोग्य उपनिषद थे उसमें हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे गॉड का नाम बताइए जिनको ग्रीक लिटरेचर में जगह मिली है, जिनको ग्रीक जो लिटरेचर्स हैं, जो किताबें हैं, उनमें जिनके बारे में जिक्र है, वो है हमारे श्री कृष्णा के बारे में, ठीक है। जैन तीर्थंकर हु वाज रिलेटेड टू श्री कृष्णा, ठीक है, पहले आपके तीर्थंकर कौन थे जैन के जो श्री कृष्णा से जुड़े हुए थे, वो थे हमारे ऋषभदेव, ठीक है, और ये पहले तीर्थंकर थे हमारे, ठीक है, ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थंकर थे जो श्री कृष्णा से रिलेटेड हैं हमारे, ठीक। उसके बाद आता है तमिल गॉड ऑफ द संगम एज ऑफ वॉर एंड विक्ट्री, ठीक है, अब वो कह रहा है कि तमिल गॉड ऑफ द संगम एज फॉर वॉर एंड, जो संगम एज थे उसमें जो तमिल गॉड थे वॉर एंड विक्ट्री के, वो कौन थे, वो थे आपके कोट्टाबाई, ठीक है, कोट्टाबाई था, वो थे आपके संगम एज के वॉर एंड विक्ट्री के तमिल ऑफ गॉड, तमिल गॉड, ठीक है। सेंट हु फाउंड द सैविज्म, ठीक है, सैविज्म की खोज करने वाले साधु कौन थे, सैविज्म की खोज करने वाले साधु थे आपके लकुलीजा, ठीक है, लकुलीजा आपके सेंट थे जिन्होंने सैविज्म की खोज की थी। तमिल किंगडम ऑफ द संगम एज, जो संगम एज की तमिल किंगडम थी, विच सेंट एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ रोमन एम्परर, ठीक है, रोमन एम्परर के पास उन्होंने तमिल किंगडम ने एक संगम एज पे एक एम्बेसडर भेजा था, वो कौन था, वो था अगस्त पांड्याज जो रोमन एम्परर के कोर्ट में गए थे। फर्स्ट संगम वाज फाउंडेड बाय, तो पहला जो संगम हुआ था, ठीक है, वो किसने करा था, वो था साधु हमारे थे अगस्त्य, ठीक है, अगस्त ने पहला संगम करा था।
फेमस पोइटेस ऑफ द संगम पीरियड, पहली जो बहुत ही फेमस जो पोइटेस थी आपकी संगम पीरियड की, वो कौन थी? वो थी अवैयर। ठीक है, अवैयर जो आपकी थी वो बहुत फेमस पोइटेस थे। ग्रीको रोमन ट्रेडर्स हु विजिटेड साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम पीरियड वर डिनोटेड विद द टर्म। ठीक है, देखिए ग्रीक और रोमन के कुछ ट्रेडर थे जिन्होंने साउथ इंडिया को विजिट किया था संगम पीरियड के वक्त में, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको जाना जाता था यावनाज। ठीक है, संगम वर्क विच कंस डिस्क्राइब अबाउट बुद्धिज्म। देखिए संगम का जो वर्क था वो बुद्धिज्म के बारे में क्या डिस्क्राइब करता था? ठीक है, संगम वर्क विच डिस्क्राइब अबाउट बुद्धिज्म, तो वो था मन में खलाई। ठीक है, मन में खलाई। द वर्ड यूज बाय अशोका टू डिनोट बुद्धा, बुद्धा को अशोका ने किस वर्ड से यूज किया? तो वो है हमारी भगवती। ठीक है, भगवती के नाम से बुद्धा को वो डिनोट करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अशोकन इंक्रिप्शन वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंस इन द ईयर। देखिए जो अशोकन जो इंक्रिप्शन थे आपके, ठीक है, जो उन्होंने लेख लिखे या जो जहाँ पर भी उन्होंने लिखवाया कुछ, ठीक है, वो डेसिफाइड किए थे जेम्स प्रिंस। जेम्स प्रिंस कौन थे मुझे आपको बताइए, क्योंकि प्रिंस हमारे इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किस ईयर में, ठीक है, डेसिफर्ड वो किए गए थे? तो वो किए गए थे 1837 में, उनके इंक्रिप्शन अशोका के सारे डेसिफर्ड कर दिए गए थे जेम्स प्रिंस द्वारा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नीचे तो दो क्वेश्चन आपके बचते हैं कि इंडो ग्रीक रूलर हु हैड हिज बाउंड्रीज अप टू पाटलिपुत्र। देखिए इंडो ग्रीक एक आपके रूलर थे, ठीक है, ग्रीक से रिलेटेड थे, उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक आती थी? जो पाटलिपुत्र तक आती थी जिनकी बाउंड्री, वो थे आपके मेनेंडर। तो मेनेंडर जो थे आपके, उनकी जो बाउंड्री थी ना वो पाटलिपुत्र तक थी, मतलब बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर रखा था। उसके बाद आते हैं यूची रूलर, ठीक है, हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूची रूलर कौन थे जिन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन्स को निकाला था, इंट्रोड्यूस कराया था? वो थे आपके वीमा कादफेसस। ठीक है, वीमा कादफेसस, तो वो आपके थे जिन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन थे लगभग आपके, मैं 30-40 जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर कराए इस पूरी वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री से लेकर, तो इनको एक बार और आप देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल लगेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में थे, मैंने इनकी हिंदी डिस्क्राइब नहीं करी। देखिए हिंदी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे आपके हिंदी के कवर करूंगा, ऐसे ही मैं पॉलिटी वगैरह के बनाऊंगा, और बाकी मैं आपको फिर कल एक वीडियो पर, मैं शाम को एक वीडियो बताऊंगा कि कल मैं देखिए वीडियोज़ नहीं डालूंगा उसको, मैं रीज़न मैं आपको एक अलग से स्पेशल वीडियोज़ की मैं डाल दूंगा, जो मेरी दीदी का वेडिंग ब्रेक है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।